गाइस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाले सोडी किडनैप हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, सोडी किडनैप हो चुके हैं। और गाइस उनके किडनैपिंग की रिपोर्ट उनके फादर ने दिल्ली के पालनपुर स्टेशन में दर्ज करा दी है। वेल दोस्तों, जानते हैं आखिरकार इन सब के पीछे की कहानी क्या है। वेल गाइस, 22 तारीख को सोडी दिल्ली से मुंबई तक की फ्लाइट लेने वाले थे। दिल्ली में सोडी का एक घर है जहाँ पर के सोडी रहते हैं और मुंबई में वो काम करते हैं। तो सोडी अपने दिल्ली वाले घर से, दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई की फ्लाइट लेने वाले थे। और इसी बीच सोडी ने अपनी को स्टार या फिर उनकी एक फ्रेंड जो कि मुंबई में रहती है, जो कि एक एक्ट्रेस है, उनका नाम भक्ति है, उनसे कॉन्टेक्ट करके बोला कि आज वो मुंबई पहुँच जाएंगे और भक्ति उनको पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँच जाए। तो गाइस भक्ति ऑन टाइम एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी, लेकिन वेट करते करते सोडी आई ही नहीं। इसके बाद भक्ति ने उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट किया, लेकिन सोडी ने अपना फ़ोन पिक नहीं किया। और इसके बाद भक्ति ने उनके दूसरे नंबर पे कॉन्टैक्ट किया, लेकिन उनका वो फ़ोन स्विच ऑफ था। भक्ति को लगा कि सोडी ने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी है और इसके बाद वो एयरपोर्ट से घर चली गई। वह इसके बाद ही भक्ति ने कई बार उनके फ़ोन पर कॉन्टैक्ट किया, लेकिन सोडी ने फ़ोन पिक नहीं किया। गाइस इसके बाद भक्ति ने उनके घर वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट किया तो उनके फादर ने बोला कि सोडी घर पर आए ही नहीं। गाइस इसके बाद 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, जब सोडी का कुछ भी पता नहीं चला। सोडी के फादर ने दिल्ली के पालनपुर स्टेशन में सोडी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दी। और गाइस आज 5 से 6 दिन होने वाले हैं, लेकिन सोडी का कुछ भी अता पता नहीं है कि सोडी आखिरकार कहाँ पर हैं। वेल दोस्तों, इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जिस दिन सोडी गायब हुए थे उस दिन उनका फ़ोन चालू था और इसके 2 दिन तक उनका वो वाला फ़ोन चालू भी रहा। कई लोगों ने उस फ़ोन पर फ़ोन किया लेकिन किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया और 2 दिन के बाद वो वाला फ़ोन भी बंद हो चुका है। गाइस हाल ही में सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें कि सोडी एक बैग टांग कर रोड को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई खास सुराग नहीं मिला। वेल दोस्तों, इस पर पुलिस जानकारी जुटा रही है, खोजबीन कर रही है, लेकिन अभी तक सोडी के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी पुलिस को हासिल नहीं हुई है।